भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर परिवादवाद का आरोप लगाया है। उनके इस आरोप पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। कमलनाथ जी पूरे चुनाव में एक दिन भी छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले, अब चुनाव निपटने के बाद छिंदवाड़ा से निकलेंगे। सलूजा के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि मध्य प्रदेश में चार चरण में चुनाव है और हर चरण में कमलनाथ जी का पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा है। शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक को भी विदिशा की चिंता क्यों सता रही है, स्वयं भूमामा एक लोकसभा सीट तक सीमित हो गए हैं। चुनाव है, बीजेपी के प्रवक्ता जी का शायद अल्प ज्ञान है, उसकी वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ बयान देना है, काम कुछ और नहीं है। चार चरण मध्य प्रदेश के चुनाव में हैं लगभग, और हर चरण में हर एक नेता की अलग जिम्मेदारी होगी। जिन नेताओं के चुनाव आखिरी चरण में हैं वो पहले चरणों में एक्टिव रहे हैं दूसरी सीट्स पे। कमलनाथ जी का उपयोग पूरे मध्य प्रदेश में अब होना है जब छिंदवाड़ा का चुनाव संपन्न हो रहा है, तो चिंता नहीं करें, बीजेपी की नींद उड़ने वाली है। कमलनाथ जी अब पूरे प्रदेश के दौरे करने शुरू करने वाले हैं और हम सर्वाधिक सीट जीतेंगे, लेकिन बड़ा विषय यह है कि विदिशा की चिंता क्यों सता रही है सबसे बड़े स्टार प्रचारक को। उनकी उनसे भी पूछ लें बीजेपी के प्रवक्ता कि विदिशा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, जिनको पूरा प्रदेश मामा और चाचा और सब कहता है, स्वयं भू मामा जो एक परिवार का हिस्सा समझते हैं अपने आप को, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झूठ जो बोलते हैं मध्य प्रदेश में, वो एक लोकसभा तक सीमित हो गए। आज प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसको डर सता रहा है अपने क्षेत्र के चुनाव का और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस पे कोई सवाल नहीं होगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।